अभी ना गाइस हम अपने घर को एकदम बढ़िया तरीके से अपग्रेड कर रहे हैं। अरे यार फैंकी अपग्रेड को छोड़, यार हमारे घर के पीछे सीक्रेट गेट निकला है। चल यार चल के देखते कौन सा सीक्रेट गेट निकला है। तू झूठ बोल रहा है यार, क्योंकि मैंने सारे के सारे सीक्रेट गेट चेक कर लिए, हमारे घर में भी कोई और सीक्रेट गेट बचा ही नहीं है। अरे यार मैं झूठ नहीं बोल रहा यार, सच में हमारे दूसरे फ्लोर के ऊपर ना या मेगा गैराज के ऊपर ना सीक्रेट गेट निकला है। ओ भाई क्या सीन हो गया, मेरे को नहीं लगता सीक्रेट गेट होगा, क्योंकि मैंने यार सारे के सारे अपने घर के सीक्रेट गेट ओपन कर लिए। क्या ही बोलूँ, अबे तू रुक क्यों जाता है? भाई मैं क्या करूँ यार, मेरी छोटी छोटी टांगे हैं, मैं थक जाता हूँ। तेरी तो बड़ी बड़ी टांगे तो बाकी चले जाता ना। चल यार कोई ना, दूसरे फ्लोर पे आ गया हूँ। फ्रेंकी भैया आगे चले जाओ यार, हमारे मूवी मेकर ने जहाँ पे हम फिल्म देखते हैं वहाँ पर लगा हुआ है। ओ भाई ये क्या, ओ ये लिटरली सीक्रेट गेट निकल आया यार, इसको ओपन करना पड़ेगा। हाँ ना यार मैं क्या बोल रहा था, सीक्रेट गेट है ना, देखना। हाँ यार है, और एक इसके साथ एक और सीक्रेट गेट है। कोई ना यार, पहले वाले को सीक्रेट गेट को ओपन करते हैं, देखते हैं इसके पीछे क्या है। मे भी हो सकता है काफी सारा पैसा हो, कार हो, पता नहीं क्या होगा। इसको गन से शूट करके देखते हैं, आई थिंक ओपन हो जाएगा। ये हो जाना यार ओपन। अबे ये क्या सीन हो रहा है, अबे ओ ये मेरे को कहाँ पे ले आया है भाई? ये सीक्रेट गेट नहीं, ये मैजिकल डोर था, तो मेरे को उठा के कहाँ पे ले आया है? खतरनाक सी जगह लग रही हो जी, गोल्ड पड़ा हुआ है बैग के अंदर। मेरे को भाई गैंग वैंग वालों का अड्डा वगैरह लग रहा है, सेफ रहना पड़ेगा, गन निकाल लेता हूँ। हो सकता है मेरे को किसी भी साइड से ना शूट ना कर दिया जाए, गैंग वालों का मेरे को अड्डा लग रहा है। भाई गाय को मारा हुआ किसी ने, मैं गाय को किसने मारा उसको छोड़ूंगा नहीं। इन्होंने मारा होगा भाई, तू निकल और तू भी निकल। लिटरली भाई जहाँ तक मेरे को लग रहा नहीं, गैंग वालों का अट्टा है, जो कि यो जानवरों को मार के ना डिब्बों में बंद करके या बच्चों को मार के सप्लाई करते होंगे। और देख सकते काफ़ी सारा पैसा भी बड़ा हुआ था, यकीनन मैं कह सकता हूँ कि भाई जो जी आपको साइड पे बॉक्स नजर आ रहे हैं, इनके अंदर जरूर पैसा बड़ा होगा या किसी जानवर का। या अबे कौन मार रहा है पीछे से भाई, ये क्या सीन हो गया, यहाँ से कवर लेना पड़ेगा। तो कार को कहाँ पे घुसा के ले आए, खतरनाक सीन हो गया यार। मेरे को मैजिकल डोर ने कहाँ फंसा दिया, मैंने तो ये समझा था कि अंदर से मेरे काफ़ी सारा पैसा या कोई लग्जरी रूम मिल सकता है, गेमिंग रूम वगैरह कुछ मेरे को अच्छी चीज़ मिलेगी, बट यार मेरे को इसने कहाँ पर फंसा दिया, ये मेरे को छोड़ने वाले नहीं है। यहाँ से निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, कहाँ पर रह गया, आगे नहीं आ रहे क्या, जाके देखता हूँ एक बोरा, इसको निपटाते हैं भाई। बहुत खतरनाक बंदे हैं यार, आगे चलते हैं, ये तो आगे आ ही नहीं रहे, इनको कवर लेके मारना पड़ेगा। क्योंकि भाई वो तो लॉन्चर फेंकते, लॉन्चर से हो सकता है कि, हाँ भाई लॉन्चर चलते। चलो भाई इनका खेल ख़त्म, निकलते आगे। भाई यहाँ से निकलना ना बहुत ही ज़्यादा टफ है, ये बहुत अच्छी बात है कि भाई शिंचन उसको उस डोर ने नहीं यहाँ पर ले गया, शिंचन को उस डोर ने नहीं खींचा, मेरे को ले आया, चलो ठीक है। नहीं तो यार शिंचन भी साथ होता ना तो उस काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जा रहा था। ये तो एकदम भूल भुलैया सा बना हुआ है, समझ में नहीं आ रहा किधर जाना है, मेरे को इसका कोई रास्ता नहीं पता। ये देख देख देख, अबे यार यहाँ पे ये लिफ्ट लगी हुई क्या, ये मेरे को ख़राब है, नहीं चल रही। और यहाँ पे भी देख सकते कितने सारे ये बॉक्स पड़े हुए हैं, इन बॉक्स के अंदर क्यों ज़रूर भाई इनलीगल चीज़ कोई ना कोई है ज़रूर है। ये इसको ओपन करते हैं, ये क्या, ये लगता है मेरे को फिर से मैं घूम के आ गया, बट नहीं उसके डोर थोड़े अलग तरीके से पड़े हुए थे। ये कहाँ पे आ गए, ये इनका ऑफिस लग रहा है मेरे को, आगे चलते भाई। बाहर जाने का रास्ता क्या यार, मेरे को ये बता दो भाई, यहाँ से निकल जाऊँ ना सेफली तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाए। इसके अलावा मेरे सिंचन की भी टेंशन हो रही है कि इसको मैजिकल डोर ने कोई और जगह पर ना, ये मेरे को डोर, किसी की आवाज़ आ रही बाहर से, लगता है गैंगस्टर बाहर खड़े हुए हैं, आवाज़ आ रही है, उनके ये बैग भी नज़र आ रहे हैं। हाँ ज़रूर मेरा बाहर वेट कर रहे हैं कि हाँ वो नज़र आए अपने डोर के साथ है, को पहनते हैं मैं निकलना बाहर, आ जा यार अंदर आ जा, तेरा वेट कर रहे। चलो मर गए, आगे चलते, चलो यार अब आगे बढ़ते हैं। ये नेट फेंक देते काफ़ी दूर, बंदे खड़े हुए वो आगे आ ही नहीं रहे। मेरे को अभी के टाइम में शिंचन की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है भाई, उसका क्या बनेगा, उसको ना मैजिकल डोर ने कोई और जगह पर ना भेज दिया हो, इसको निपटाते, उसकी बाजू नजर आ रही ना, फेल दिया। ये क्या, एक गाड़ी को क्या हुआ पड़ा, बट ये ही निकल लेके निकलना पड़ेगा, मौका ही कोई आ गई, इतनी साइड की कार खड़ी है मेरे को मारने के लिए, नीचे भाई छलांग मार देते। ओ भाई गाड़ी एकदम से गाड़ी सारी की सारी टूट गई है, मुश्किल से मेरे ख्याल अभी चल पाएगी, इसके टायर भी फट गए दोनों के दोनों। गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा जोर है, पावरफुल कार है यार, अभी तक चल रही नहीं, तो जितना इसका वैसे काम हो गया ना, इसको चलना बनता नहीं है। चल कोई ना थोड़ा और चला लेते, कहीं मेन पे जाके ना सेफली हो जाएंगे यार। बस सिंचन, ओ भाई नहीं चल पाया यार, मैं कहता हूँ यार ये तो चलने के काबिल भी नहीं रही यार, अब नहीं चल पाई, निकलते यहाँ से पैदल ही चलते। ये कौन मार रहा है, गैंग वाले यहाँ पर भी आ गए,
लगता है मेट्रो में बैठ के आएंगे, पीछे से मेट्रो नज़र आ रही थी। चलो यार आगे बढ़ते हैं। शिंचन की मेरे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही। अभी ना ऐसा करते यहाँ से कोई कार उठाते, वो इसने नीचे छलांग मार दी। चल कोई ना, इसकी हमें कार तो मिल गई ना, इसी कार लेके सीधा चलते पुलिस स्टेशन के अंदर। वहाँ पे जाके कंप्लेन करेंगे कि भाई हमारे साथ एक लफड़ा ऐसा हो गया कि सीक्रेट गेट हमारे घर पे था, जिसको हमने ओपन क्या करना था, उसके पास गए, ओपन हो नहीं रहा था, उसको शूट किया। वो सीक्रेट गेट नहीं भाई, मैजिकल डोर था, उसने हमें यहाँ पर भेज दिया। चल कोई ना, सीधा पुलिस स्टेशन चलते हैं यार, काफ़ी ज़्यादा टाइम। अरे रोड एकदम से खाली हुए पड़े, ये क्या लॉजिक है, कार वगैरह नज़र नहीं आ रही यार। चलो यार, मैं तो अपना घर एकदम बढ़िया तरीके से अपग्रेड कर रहा था, एक ऊपर गेमिंग रूम सेटल कर रहे थे, और आज वो फाइनली पूरा हो जा रहा था। चलो कोई ना यार, जल्दी हो ही जाएगा। बट यार ये जो मेडिकल डोर है, इसने सारे का सारा काम खराब कर दिया। मेरे को पैसों की वजह से थोड़ी बहुत ज़रूरत थी, जो माइकल और ट्रेवर वगैरह से मैं मांगने वाला था, बट क्या कर सकते हैं, मेडिकल डोर मेरे को कहाँ पे उठा के ले आया यार, क्या ही बोलूँ यार, पूरे का पूरा दिन मेरा ख़राब होगा। ये बहुत अच्छी बात है कि मैं वहाँ से सेफली निकल। चलो यार मिलते सीधा पुलिस स्टेशन पर, काफ़ी टाइम लग जाएगा। फाइनली यार पुलिस स्टेशन आ गया, अभी चल के सीधा कंप्लेन करते हैं। ओ भाई शुक्र है यार बच गया मैं, चलते हैं। हेलो सर, मुझे ना कंप्लेन लिखवाना है, मेरे ना घर पे मैजिकल डोर है, मुझे गैंग वालों के अड्डे पर ले गए, उन्होंने मुझे मारा यार, काफ़ी ज़्यादा देख सकते खून लगा। हाँ सर आपका खून तो नज़र आ रहा है, ठीक है आपकी आपकी ना कंप्लेन एक्सेप्ट कर लेते हैं। सर मुझे ना घर पर ज़रूरी काम है, मेरे घर पर आ जाना, ठीक है सर। आपकी हमने लोकेशन पता चल गई है, स्कैन कर लिया हमने आपको, हम अभी अपने आपके घर पर पहुँच जाएंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी। चलो यार पुलिस वालों से अच्छे तरीके से बात हो गई, अच्छे तरीके से। अबे अरे यार फेंकी जल्दी, अरे यार मुझे यार मार रहे हैं यार, मुझे पकड़ के ले गए यार, जल्दी आ जा जल्दी आ जा भाई, मुझे गैंग वालों ने भाई यार चिंचन का अभी कॉल आया, बंदा बोल रहा है कि मेरे को गैंग वालों ने पकड़ लिया, जल्दी आके मेरे को बचा ले। अभी तो कार को फुल स्पीड से भगाना पड़ेगा यार, यही मेरे को मसला आ रहा था कि चिंचन को कुछ ना हो जाए, और गैंग वालों ने वही किया यार, उनको मेरी कमी पता चल गई होगी कि भाई इसका कमी चिंचन ही, अगर चिंचन को कुछ होगा तो समझ लेना इसको कुछ होगा। चल यार कोई ना, वो तो छोटा सा बच्चा है, मेरे को छोटे मोटे लग भी जाए कोई ना, बट यार उससे कैसे वो कर पाएगा यार उसको कवर, उसको चोटे उसको मारे मत, मैं उम्मीद करता हूँ घर पे होंगे, अगर तो उसको अपने साथ उठा के ले गए ना तो काफ़ी सीन ख़राब हो जाएगा। चल कोई ना, और यार एक माह हो गया अभी चिंचन स्कूल भी नहीं जा रहा, स्कूल से छुट्टियाँ कर रहा था क्योंकि घर का काम चल रहा था ना, घर को एकदम फुली तरीके से अपग्रेड कर रहे थे, ये वर्कर को इनका ध्यान रखता था कि कौन सा वर्कर काम कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है, इनको खाना वाना ला के देता था। मुझे इसके स्कूल का प्रिंसिपल का कॉल आया था कि भाई शिंचन को स्कूल भेजो, मैंने उसको बोल दिया कि हमारा घर अभी बन रहा है, घर बनने के बाद इसको हम स्कूल रेगुलर भेजे करेंगे। इसने भी काफ़ी सारी छुट्टियाँ कर ली, इसका ना पढ़ाई में मन लग नहीं रहा यार कोई ना, हमें इसका पढ़ाई का मन लगाना है। चल यार कोई ना, मेरा घर आने वाला है यार, शिंचन सेफ हो बस, मैं ये चीज़ चाहता हूँ शिंचन भाई तू ना सेफ होना, तेरे को कुछ हुआ ना हो। मुड़ गए अपनी गली में, चलते हैं। चल यार जल्दी जल्दी, मेरे को शिंचन की सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही है यार, शिंचन तू सेफ होना, गन निकाल ली तो मैं कहता हूँ गन निकालूँ मेरा, आई थिंक उन्होंने घर के बाहर ही गैंग वालों ने ना शिंचन को रखा होगा अंदर, नहीं गन निकाला तो सामने कारवार आ गई। अरे कहाँ पे है भाई, इसको उधर लेने दे, आ जा भाई आ जा देख, नहीं यहाँ पे तो नहीं नज़र आ गया, आगे जा, अबे उरे उरे इनको पेल देते हैं यहाँ पे, यहाँ भी ख़त्म कर देते हैं इनको, बाहर अगर आ गए ना तो मेरे को मार देंगे। हाँ एक चलो यार, एकदम से इतने फास्टेस्ट तरीके से ख़त्म किया ना। अरे यार फेंकी यार तेरा बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया यार, तूने मुझे बचा लिया यार, इसमें शुक्रिया वाली बात ही क्या यार, कोई मसला है ही नहीं है। अबे खड़ा हो जाना, क्यों डर रहा है, वो तो चले गए, सॉरी यार तेरे को टक्कर होगी। अरे यार क्या ही बोले, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है यार, क्या ही बोलूँ, चल यार मैं ना घर में जाके छुप जाता हूँ। अबे क्यों छुप रहा है, सारे गैंग वाले मर गए हैं। अरे फ्रेंकी तेरे को नहीं पता यार, गैंग वाले एक पे एक बंदा आता ही जा रहा है यार, क्या ही बोलूँ, जाके ना जल्दी से छुप जाता हूँ यार, कोई और गैंग वाला ना आ जाए यार। फ्रेंकी भैया तो अपने आप को बचा लेंगे, इसके पास तो गन है यार, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, मैं कैसे बचूंगा यार। चल कोई ना यार, यहाँ पे छुप जाते हैं, कहाँ पे छुपूँ, ये यहाँ पे छुप जाता हूँ, चलो ठीक है यार, ये अच्छी यार। शिंचन को भी ना क्या हो गया। अच्छा सर हम ना आ रहे हैं, पुलिस वाले बात कर रहे हैं, आ रहे हैं आपके पास, ठीक है ना, और आपने मर्डर वर्डर किए हैं, हम आपको अरेस्ट करने आ रहे हैं, ठीक है। बट सर मैंने मर्डर नहीं किए, हम आ रहे हैं बस, बात ख़त्म। अबे ऊपर से फ़ोन काट दिया मेरे पे, मर्डर का केस ठोक दिया। चल कोई ना यार, सो गाइस मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। इसके नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। यार देख लो यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, इतने सारे बंदे वीडियोज़ देख लेते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते यार, सब्सक्राइब कर देना, नेक्स्ट पार्ट में पुलिस मेरे को उठाने वाली यार, तब तक के लिए बाय बाय, सब्सक्राइब कर देना।